नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। सराय जयराम में 100 लोगों के बीमार होने पर आगरा सीएमओ ने निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने ग्रामीणों से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि गांव में गंदगी होने के चलते लोग ज्यादातर बीमार हैं और जहां पर काफी जगह पे पानी भरा हुआ है। जो लोग बीमार हैं वो ज्यादातर उसी जल भराव के आसपास के घरों में ही रहते हैं। जो सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। सर, आज किन किन गाँव में निरीक्षण किया गया है? ये कल समाज पत्रों और समाचार पत्रों के माध्यम से और पूर्व में हमें पता भी था कि यहाँ पे एतमादपुर के पास बरहन जगह है, बरहन के पास सराय मीका, सराय जयराम और बुर्ज अदबर, ये दो गांव हैं जहाँ पे वायरल बुखार के रोगियों की संख्या अधिक थी। वहाँ पे पिछले दो तीन दिन से कैंप भी लगाया जा रहा है सराय वगैरह में। पेशेंट की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है, लेकिन हम लोग लगातार वहाँ पे डेंगू मलेरिया के टेस्ट भी करा रहे हैं। अभी तक कोई भी पॉजिटिव वहाँ पे उन कैंपों में नहीं प्राप्त हुआ है। आज उस गांव के निरीक्षण के दौरान देखा कि नालियों में का जो निकास है वो गांव के बाहर अवरुद्ध हो गया है छवेर निर्माण के कारण, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई, अपनी बात उनसे कही गई है, जिससे कि उसका वो निकास अगर खुलवाएँ तो जमाव पानी का जमाव हटे और आसपास के जो और जो बीमार लोग हैं उसी पानी के जमाव के आसपास के। तो निश्चित तौर पे जिस गांव में जिन गांव में इस तरह की समस्याएं हैं वहां पे वायरल फीवर या अन्य फीवर या मच्छर जन्य बीमारियों की हमेशा दिक्कत रहती है। सर, जिले में कितने डेंगू के एक्टिव मरीज? इस समय हमारे जो डेंगू के एक्टिव 44 मरीज कल शाम तक हमें प्राप्त हुए, तो हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। सभी जगह हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर दी है, फॉगिंग हो गई वहाँ, साइकिल का छिड़काव हो। सर, कुछ अन्य जिलों से भी कुछ पेशेंट आगरा जिले में आ रहे हैं उनके लिए? देखिए, हमारे जिन भी चिकित्सालयों में रोगी हो रहे हैं या हमारे जो स्क्रीन टेस्ट में जो नेगेटिव दिखा रहे हैं उन सब पे हम फोन कर रहे हैं, लगातार उनको मॉनिटर कर रहे हैं। यदि वो चिकित्सालय में हैं तो हम लोग चिकित्सालय के चारों तरफ पूरा फॉर्मिंग करा रहे हैं और ये किसी और जनपद के हैं उन जनपद के इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे उनके आवास के आसपास की विरोधात्मक कार्रवाई हो जाए। और अगर अपने जनपद का है तो हम लोग वहाँ पे भी लावी साइडर का छिड़काव और फॉर्मिंग करें। सर, मीडिया के माध्यम से आप किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे जिससे कि लोग एहतियात बरतें? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ज़्यादातर केस, और हम कहेंगे कि 99% मोर देन 99% केसेस वायरल फीवर के, और इन वायरल फीवर केस में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर तेज बुखार हो तो तत्काल पट्टी रखें, शरीर को ठंडा रखें और खुली जगह में रहें। साथ में तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। बच्चों में तरल पदार्थ की कमी बहुत जल्दी होती है, इसलिए उनको नुकसान होता है। इसलिए अनुरोध यही है कि अपने घर के आसपास कूलर, गमले, फ्रिज इत्यादि के आसपास देखें कहीं पानी का जमाव नहीं हो। रोज़ स्वयं इस बात को चेक करें, अपने घर के अगल बगल के लोगों से कहें कि वो भी इस तरह की ज़रूर कार्रवाई करें। और इससे आगरा से केकेटी न्यूज रिपोर्टर राम सेवक की रिपोर्ट। अलीगढ़ अतरौली क्षेत्र के थाना छरा के गांव में लड़की अपने घर से डेयरी पर दूध डालने जा रही थी और रास्ते में से गांव के लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ कर डाली और लड़की ने शोर मचाया, तो शोर सुनते ही आसपास के गांव वाले लोग इकट्ठे हो गए और जैसे ही इस बात का पता उनके घर वालों को चला तो उन्होंने फौरन ही थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। हमारे साथ एक शर्मन था, उसने जबरदस्ती पकड़ के रंजीत के घर में कर दी थी। हम डेयरी पे तो आए दूध लेके, हमारी मम्मी बीमार है, उसको दूध लेके आते हैं रोज, तो उनने कहा कि था, फिर पकड़ के हमने धक्का मारा था, उनने छोड़े नहीं, हम जबरदस्ती ले गए। फिर तीन चार जने बाहर थे तो, और दो जने रखवारी कर रहे और एक जन भीतर भी संगंधी हरकते करी है। फिर क्या कहता है, एविन ने, हाँ, शर्मन ने, और भी था कोई वहाँ पे? और नहीं कोई था, दो बाहर थे रखवारी कर रहे थे। कौन कौन? रंजीत और वो टिंकू। फिर कैसे छूटे आप? फिर क्या कहता है, जो पड़ोस वाले चिल्लाए, जब क्या कहता है, ने फिर चिल्ला रहे हम पे, जब वो शर्मन भागे तो विन ने गिर तो था, हम क्या कहता जब भागे तब वो कह रहे क्या कहते तू लली घर जा, तब आए हम। आप कहाँ जा रहे थे? हम घर आ रहे थे, दूध तो ले आए पहले। कौन सी जगह की उनकी थी वो, कहाँ की जगह पे थी? रंजीत कहीं ले गया था, कौन सी जगह ले गया था? रंजीत के घर में जीना पे।
कोई खाली था घर पे या कुछ? जी ना पे देखिए, कल रात की बात है जिसमें छर्रा पुलिस पे सूचना आई कि एक लड़की ने बताया कि उसके साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। तो मौके पर तुरंत ही पुलिस पहुंची है और मौके पर जाकर वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और लड़की को मेडिकल के लिए तुरंत भेज दिया गया। लड़की के बयानों के आधार पर और जो प्रारंभिक गाँव से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह घटना घटित की गई है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए रात से ही टीमें बना दी गई थी और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, लगातार दबिश दी जा रही है और बाकी लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अलीगढ़ से केकेडी न्यूज रिपोर्टर अजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है जहाँ एक युवक अपने घर से किसी कार्य के लिए हसनपुर गया था और जैसे वो हसनपुर के घर के लिए वापस हुआ तो रास्ते में कुछ युवकों ने तमंचे केबल पर रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है युवक से 49,000 भी छीन लिए गए, जिसके बाद युवक अपने परिजनों के साथ थाना संदेह निगली पहुंचा और तहरीर दी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे परिजन आक्रोशित होकर परिजनों ने थाने पर जाकर हंगामा और प्रदर्शन किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत गिरी। कौन से गांव के रहने वाले हो? वडाली। आज जो आप सैद नंगली थाना है, क्या मामला? भैया मेरे भाई, मेरे चचेरे भाई के साथ, गुड्डू गिरी के साथ कल मारपीट हुई भीकनपुर और कालीखेड़ा के पुल के बीच में। किसने करी? हिचकेड़ा के कुछ दबंगों ने करी, गुजरों के लड़के हैं। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं आप? हम उनका वो चाह रहे हैं, इंसाफ मिलना चाहिए हमें, और उसके साथ मारपीट करी बहुत ज्यादा और उससे पैसे भी छीने गए, 4,930 रुपए खेचे गए और तमंचा के बल पर वो रोका गया था। हसनपुर से आ रहा, वो कागज दे रहे के कुछ, और जब वो हसनपुर से आया तो उसे तमंचा, दो लड़कों ने तमंचा दिखा के उसे रोका रोड पे, उसे कही रोक ले वरना गोली मार देंगे। जब उसे न अपने डर की वजह से उनने गाड़ी रोक, बाइक रोक ली, जब उनने रोकी बाइक तो उन पर बाइक रोकते ही उन पर मारपीट चालू कर दी, सरिया से लाठी डंडों से उन पर मारपीट करी उसके साथ बहुत ज्यादा। नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। कौन से गांव के रहने वाले हो? वडाली। अब जो आप सैद नंगली थाना आए हो, क्या मामला? मामला ये है जी, कल मेरे भाई के साथ मारपीट हुई, उसे तमंचे के बल पर रोका गया, तमंचे के बल पर उसने डर की वजह से मोटरसाइकिल रोक ली, मोटरसाइकिल रोकने के बाद में उसे मारा पीटा, 4,930 रुपए उसके छीन लिए। किन लोगों ने छीने? गुजर हैं जी, हिसकेड़े के, और 5-7 लड़के थे और भीकमपुर के, पता नहीं कहाँ का उनका गैंग का पूरा। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंसाफ, हमारी कोई ना तो कार्रवाई हो रही, हम कल भी आए थे हैं, रात भी आए थे, हमारी तहरीर बतौर अगर हमारी कार्रवाई हो जाए तो हम ये इंसाफ चाहते हैं। अमरोहा से केकेडी न्यूज रिपोर्टर रवि कुमार की रिपोर्ट। सोना अशोक गर्ग, केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई हाईवे का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जो मार्च 2023 तक ही पूरा कर लिया जाएगा और लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी सोना के गांव लॉर्ड की में वी वॉल को निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इस मौके पर उनके साथ प्रदेश मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री राजेंद्रजीत, विधायक संजय सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अवलोकन स्थल पर पहुंचने पर नेशनल हाईवे अधिकारियों द्वारा फूलों व बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां का निरीक्षण करने के दौरान पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद रही। निरीक्षण से पूर्व इंद्रदेवता ने खुश होकर बरसात का निरीक्षण स्थल पर वाटरप्रूफ टेंट की सुविधा होने के कारण किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो पाई। नेशनल हाईवे प्रशासन द्वारा कोई कमी न होने की जिम्मेदारी चलते भव्य स्थल बनाया गया। केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे हरियाणा प्रदेश से ही इसी क्षेत्र से सांसद, केंद्र में राज्य मंत्री डॉ. रंजीत सिंह जी, विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज ये बहुत ही प्रसन्नता का प्रसंग है कि देश भर में सड़कों का जाल बिछाने वाले जो एक ऐसे यशस्वी हमारे अंथक मेहनती हमारे केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने सड़क मार्गों का जाल बिछा दिया और आज भी उनकी ओर से हमेशा यही
हमसे पूछा जाता है कि बताइए और कौन सी सड़क बनानी है, हम बताते नहीं है, बल्कि उनकी ओर से आ जाता है कि आपके यहां से ये सड़क और अच्छी रहेगी, इसको भी बनवा लीजिए। कभी इन्होंने उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके कारण से कहीं कोई कठिनाई आती हो, ना धन की कठिनाई आती है, ना योजना की कठिनाई आती है। अभी पिछले दिनों में हमने कहा कि दिल्ली से एक अमृतसर सीधी रोड और बाद में अमृतसर से वो जम्मू तक जाएगी, एक स्पेशल एक्सप्रेस वे, तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री को हमको बुलाया कि इसका अलाइनमेंट बताइए और तुरंत फाइनल कर दी। इसी प्रकार हमने कहा कि हमारी कोई ईस्ट से वेस्ट सोना से केकेडी न्यूज रिपोर्टर अशोक गर्ग की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण की विशाल शोभा यात्रा और जल विहार उत्सव के परंपरागत कार्यक्रम के तहत गुरुवार को श्री कृष्ण भक्त मंडल के तत्वाधान में जिला मुख्यालय में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे प्रख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित नारायण दत्त त्रिपाठी ने बताया कि वो 8 वर्ष की आयु से ये कार्यक्रम करा रहे हैं। समय के साथ धीरे धीरे ये आयोजन विस्तार रूप लेता जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में भगवान और गाय के प्रति श्रद्धा भाव रखने वालों के ही मानवता और मनुष्यता होती है। समाज के कल्याण की कामना को लेकर प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं ये खास रिपोर्ट। ब्रंधान वेणोया पूरेन गोप वृंद वृंदारण्यम सुभद्रवणम काम संगीति भगवान का बड़ा दिव्य स्वरूप, बड़ा सादी सीधी सादी वेशभूषा क्या है, बरहा पीड़न यानी मोहन मुकुट लगाती नटवर बपू माने जैसे नटखट चंचल बच्चे होते हैं, कानियों का निकारम आभूषण नहीं पहनते, कानों में कनेर का पुष्प धार करते हैं, दुर्दवासा विचित्र तरह के कपड़े पहनते हैं। चित्रकूट से केकेडी न्यूज रिपोर्टर रहमत अली की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया, और खबरों की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।